हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं परिवीक्षा काल, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। ये सर्विस लॉज में यानी सेवाओं का जो कानून है, नौकरी का जो कानून है, उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये परिवीक्षा काल क्या होता है, परिवीक्षा काल को प्रोबेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, ये प्रोबेशन पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट होता है और प्रोबेशन पीरियड के क्या क्या रूल्स होते हैं, आइए इस लेक्चर में हम इन सभी बातों को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर है प्रोबेशन पीरियड इन द एम्प्लॉयमेंट, यानी आज हम लोग कवर करने वाले सेवाओं ब्रैकेट में नौकरी में परिवीक्षा अवधि। तो ये परिवीक्षा अवधि क्या होती है, हम सभी को पता है सर्विस लॉज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। यदि इंप्लॉयर किसी इंप्लॉई को अपने यहां पर अपॉइंट करता है तो इंप्लॉयर इंप्लॉई से कुछ एक्सपेक्ट करता है। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो जॉब आपको दी जा रही है, जो जॉब प्रोफाइल दी गई है, उसमें एम्प्लॉय फिट बैठे और अपनी योग्यताओं का सही तरीके से दोहन करे। लेकिन कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय अनफिट हो जाता है, यानी जॉब प्रोफाइल के लिए वो अनफिट हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंप्लॉयर यदि इंप्लॉय को निकालता है तो चूंकि निकालने पर आपको पता ही है बहुत सारे लॉज जो है वो इंप्लॉयज के फेवर में, यानी जॉब सिक्योरिटी से लेकर अगर किसी व्यक्ति को निकाला जाता है तो आप सभी को पता है रिट्रेंचमेंट यानी एक छटनी होती है, तो एक मुआवजा देना पड़ता है, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। लेकिन ये सब बातें लागू होती है परमानेंट एम्प्लॉय पर, परमानेंट यानी जो स्थायी रूप से एम्प्लॉय है। ये प्रोबेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से होते हैं। तो एक ऐसा पीरियड होता है परिवीक्षा काल, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें ये जांचा परखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो जॉब के लिए परफेक्ट है कि नहीं, और उस काल के दौरान उसको सारे जॉब सिक्योरिटी और जॉब के जो बेनिफिट्स थे वो नहीं मिलते। तो एकदम अपॉइंटमेंट, स्थायी अपॉइंटमेंट करने के पहले उसे एक ट्रायल पीरियड पे रखा जाता है, इसी को ही परिवीक्षा काल कहा जाता है। तो सबसे पहले जितने भी एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट लॉज यानी जो सर्विस और सेवाओं का जो कानून है, उसमें प्रोबेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। प्रोबेशन को परिवीक्षा कहा जाता है, प्रोबेशन कॉन्सेप्ट को एम्प्लॉयमेंट लॉज में हम इसको यूज करेंगे। एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा काल जो टेस्ट परफॉर्मेंस होता है, एक प्रकार से टेस्ट किया जा रहा है, यानी एम्प्लॉय का टेस्ट हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, सुटेबिलिटी फॉर जॉब। और ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्या वो जॉब के लिए सुटेबल है, इस बात को देखा जाता है कि जिस नौकरी के लिए उस व्यक्ति को रखा गया है, क्या वो उस नौकरी के जो काम है वो क्या सही तरीके से कर पा रहा है, क्या वो उसके लिए सुटेबल है। सो इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रायल, तो हम ये कह सकते हैं ट्रायल पीरियड होता है। तो प्रोबेशन इज द ट्रायल पीरियड ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉय के लिए एक ट्रायल पीरियड होता है, और इस ट्रायल पीरियड में यदि वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसे स्थायी जॉब ऑफर हो जाती है। तो प्रोबेशन काल बिफोर बीइंग रेगुलर एम्प्लॉय, यानी रेगुलर एम्प्लॉय बनने के पहले का एक काल होता है, और इस काल को परिवीक्षा काल कहा जाता है, इंग्लिश में से प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। हमने कई बार सुना है कि एक व्यक्ति प्रोबेशन काल पे है, अभी ये प्रोबेशन पीरियड पे है, यानी प्रोबेशन पीरियड पे मतलब अभी वो परमानेंट नहीं हुआ है, अभी वो टेम्पररी है। वेरियस राइट्स अगेंस्ट द टर्म, अगर आप परमानेंट हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, तो हम सभी को पता है बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। यानी एक रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए टर्मिनेशन को, जब हम रेगुलर एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं तो उसको बहुत सारे राइट्स होते हैं। ये सारे राइट्स उसको तब मिलेंगे जब वो प्रोबेशन काल को पूरा पार कर देगा। तो प्रोबेशन में यदि वो अनसेटिस्फेक्टरी रहेगा, यदि प्रोबेशन में उसने ठीक ढंग से काम नहीं किया, असंतुष्ट कर दिया एम्प्लॉयर को, तो ऐसी स्थिति में उसको निकाल भी दिया जाएगा, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, नॉर्मली प्रोबेशन पीरियड 1 साल का भी हो सकता है। कई जगहों पर 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, कई जगहों पर 1 साल का होता है, और ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं नॉर्मली यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। यदि सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति है, यानी गवर्नमेंट ने कोई पोस्ट ऑफर की है, तो वहां पर प्रोबेशन पीरियड लगभग 2 साल का होता है। अब नो लियन ऑन जॉब, आपका जॉब पर कोई अधिकार नहीं होता यदि प्रोबेशन पीरियड पे है, तो लियन का मतलब है धारणा अधिकार, यानी आपका अभी जॉब पर कोई अधिकार नहीं, वो जॉब पोस्ट अभी भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको वो जॉब कंफर्म कर दे या ना कर दे, यानी जॉब पे आप परमानेंट कब होंगे, जब आप प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। तो यदि आप प्रोबेशन पीरियड में सक्सेस हो गए, आपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई कर दिया, तो आपको रेगुलर जॉब मिल जाएगी, यानी ये जो पोस्ट है जो टेम्पररी थी वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, और रेगुलर में कन्वर्ट होने से आप परमानेंट एम्प्लॉय हो गए, जॉब सिक्योरिटी आपकी चालू हो चुकी है। जॉब सिक्योरिटी मतलब आप इजीली कोई व्यक्ति आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता है,
और इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जो इंप्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हम ग्रेजुटी कहते हैं, जैसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ये सारी पेंशन वगैरह, ये सारी जो जॉब के बाद मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, इमोल्यूमेंट्स हैं, वो सारे आप पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ये है मित्रों प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड इन दी एम्प्लॉयमेंट। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।